करनैलगंज की जनता से मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखे कि करनैलगंज नगरपालिका का संचालन करनैलगंज से हो। अब अशोक सिंह क्या कह रहे हैं, ये अशोक सिंह का विजन है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ कोई ईसाई है नहीं, तो इनको ईसाई कहीं से इम्प्लांट करना पड़ेगा यहाँ ला करके, तब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों होंगे। यहाँ सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो अब ये वो बेचारे जानते नहीं हैं, नए नए आए हैं, देहात के रहने वाले हैं, तो अब यहाँ कूद रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और जहाँ तक सबको साथ लेकर चलने का सवाल है, तो वो जिस पार्टी से लड़ना चाहते हैं वो पार्टी खुद 80-20 की बात करती है। भाई मेरे, मैं मुसलमान हूँ, डरना तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, और आखिरी फैसला भी उसी का होगा। इंसान की कोई हैसियत नहीं है कि वो किसी तरह के फैसले में कुछ कर सके। रात के 12 बजे तक वेबसाइट खुली थी 4 तारीख को, आप तो 8 ही की बात करते हैं। वेबसाइट जो थी वो रात के 12 बजे तक खुली थी, तो 12 बजे तक ये प्रक्रिया की जा सकती थी। अब ये कहना कि 8 बजे क्यों हो रहा था, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। कहने वालों ने तो सीता माता के ऊपर आरोप लगा दिया, मुसलमानों की तारीख देखिए तो हज़रत आयशा सिद्दीका के ऊपर आरोप लगा दिया गया। आरोप लगाना तो आदमी का हक है, लेकिन उसको साबित करेगा जिस दिन वो महराज नहीं छोड़ेगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। नगर निकाय चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और सरगर्मियां तेज होती जा रही है। ऐसे में गोंडा के 7 विधानसभाओं में एक विधानसभा है करनैलगंज, और 3 नगर पालिकाओं में एक नगर पालिका है करनैलगंज। हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरपर्सन के प्रतिनिधि शमीम अच्छन जी। कई मामले हैं जिन पर हम इनसे बात करेंगे, विकास के मुद्दे हों या कई ऐसे आरोप हों, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं। शमीम अच्छन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया, इस लायक मुझे समझा, बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी जब हर तरफ चुनाव की बात हो रही है, हर जगह हर लोग, हर प्रत्याशी और मौजूदा जो पद पर बैठे हुए हैं, लोगों ने तैयारियां तेज़ कर दी है, ऐसे में आपकी क्या तैयारियां हैं और कैसे काम कर? तैयारी तो हम लोग पूरे 5 साल करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता की खिदमत करते हैं, जो कुछ शासन से मिलता है उसको कोशिश करते हैं कि जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से ले जाएं। तो तैयारियां तो 5 साल चलती हैं। अब जो नए लोग आए हैं वो अपने हिसाब से तैयारियाँ कर रहे हैं, हम लोग तो 5 साल चुनाव लड़ते हैं। तो जो आपका काम रहा है, जिस तरह से 5 साल काम किया, आप उसी को तैयारी मानते हैं। खैर, अगर हम बात करें आपकी इस नगर पालिका की, तो बीते साल में कई ऐसे कंट्रोवर्सी हुई जिसमें काफ़ी चर्चा में रही पूरे ज़िले में, तो कई मुद्दे ऐसे हुए, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो परिसीमन को लेकर जब विस्तार हुआ, तो ये आया कि जो मौजूदा चेयरपर्सन हैं या आपकी बात की जाए पूर्व चेयरमैन है, इन्होंने विरोध किया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम विस्तार के विरोधी नहीं थे, विस्तार जिस ढंग से किया जा रहा था हम उसके विरोधी थे, और उसका प्रमाण यह है कि बिल्कुल करनैलगंज से मिला हुआ भिम्बापुरवा गांव, जो मुस्लिम पॉपुलेशन का था, उसको छोड़ दिया गया। गोंडा की तरफ चलें आप तो घोसीपुरवा गांव, जो मुस्लिम पॉपुलेशन का था, उसको छोड़ दिया गया, उसके आगे कादीपुर गांव ले लिया गया। बाबूपुरवा जो मुस्लिम पॉपुलेशन का था, ठीक रेलवे लाइन के उस पार, उसको छोड़ दिया गया। और चिथरिया जो बिल्कुल सरजू नदी के, कह लीजिए कि तट पे बसा हुआ है, नारायणपुर मांझा का गांव, जहां साल में 6 महीने बाढ़ का पानी भरा रहता है, उसको ले लिया गया। मानक सिर्फ ये रखा गया कि कहां बहुसंख्यक आबादी है, जो उन आबादी को जोड़ा जाए, और जो अल्पसंख्यक आबादी है उसको किसी न किसी तरह से काट कर अलग किया जाए, इसका हमने विरोध किया है। मैं सीमा विस्तार का विरोधी नहीं हूँ, और गवर्नमेंट का जो मानक है कि जिन आबादियों में शहरी लक्षण हो वहाँ होना चाहिए, इन्होंने जिन इलाकों में किया है, अगर आपको जाने का इत्तेफाक पड़े, मैं आपको नाम बताऊंगा, तिवारीपुरवा, आप आम दिनों में वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, इस तरह का काम किया है। इसका विरोध था कि मानक के अनुरूप जो शासन के द्वारा निर्धारित है, अगर उसके हिसाब से होता है सीमा विस्तार, तो उसका स्वागत है। ठीक है, तो आपका कहना है मानक के परे जाकर इस तरह का विस्तार किया गया, तो किनके कहने पर, किनकी वजहों से ऐसा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें तो शासन से होती है, सत्ता पक्ष के दबाव में, शासन ने सत्ता पक्ष के दबाव में पूरी तरह से वॉइस्ड होकर के इस काम को किया। हम लोगों ने आपत्ति की, उन आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया,
जो जायज़ बात थी हमारी नहीं सुनी गई और उसी को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को भेज दिया गया और उसी को उन्होंने मान लिया। इसी से संबंधित एक आरोप और आप पर लगा कि जब विस्तार हो गया तो जिस तरह आपने कहा कि बहुसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ा गया है और इसी का आपने विरोध किया था। खैर, जब वोटर कार्ड की बात आती है, वोटर लिस्ट की बात आती है, नाम बढ़ाने की बात आती है, उसमें ये आरोप आप पर लगा कि गलत तरीके से और गलत वक्त पर और सिर्फ एक समुदाय का नाम बढ़ाने की कोशिश की आपने और जिसकी शिकायत की गई उसके बाद कार्रवाई। देखिए, हमने ना गलत समय पर यह काम किया है। 1 नवंबर से 4 नवंबर तक माननीय निर्वाचन आयोग की तरफ से डेट दी गई थी कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 1 से 7 तक ऑफलाइन कर सकते हैं। उसी पीरियड में लोगों के आवेदन किए गए। अब उसमें ये कहना कि एक वर्ग विशेष का जिसका नाम छूटा था उसका आवेदन किया गया, वो किसी वर्ग का हो, इससे हमारा क्या लेना देना है। जो लोग आए, जिन्होंने इसके लिए हमसे कहा, उनके पेपर्स हमने कोशिश की कि उनको, चूँकि वो भारत के नागरिक हैं तो उन्हें इस बात का अधिकार मिलना ही चाहिए कि वो अपना वोट डाल सकें। और उसमें से कुछ भी गलत नहीं है, सारे आरोप निराधार हैं और जांच पड़ताल के बाद भी वो सब बिल्कुल गलत पाए गए हैं और गलत पाए जाएंगे। लेकिन रात को 8 बजे ये कैसा समय था ऐसा करने के लिए? रात के 12 बजे तक वेबसाइट खुली थी 4 तारीख को। आप तो 8 ही की बात करते हैं, वेबसाइट जो थी वो रात के 12 बजे तक खुली थी, तो 12 बजे तक ये प्रक्रिया की जा सकती थी। अब ये कहना कि 8 बजे क्यों हो रहा था, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है कि जब निर्वाचन आयोग कह रहा है कि रात के 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, तो 12 बजे तक आवेदन किया जा सकता। यही लगा था कि गलत फर्जी तरीके से नाम बढ़ाने का काम किया गया था। उसकी जांच कर लें, अगर वो गलत ठहर जाएगा, एक भी नाम ऐसा कि जो यहाँ के नागरिक ना हो, यहाँ के रहने वाले ना हो और उनका नाम बढ़ाने के प्रयास किया गया हो, मैं राजनीति छोड़ दूँगा। अच्छा, आपकी कार्यशैली की बात करें तो ये भी आरोप आप पर लगाया गया है कि जो भी नगरपालिका में काम हुए हैं, अगर हिंदू समाज या ऐसे जो वार्ड हैं जहाँ पे बहुसंख्यक आबादी हिंदू की है या मुस्लिमों की है, तो जहाँ पर मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा काम कराया गया और जहाँ पर हिंदू आबादी है वहाँ पर कम कराया गया, ऐसा आरोप आप पर लगा है। ये सिर्फ आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप घंटाघर से खादी भंडार होते हुए चले जाएँ गाड़ी बाजार तक, मुझे लगता है शायद 1 मुस्लिम का घर हो। बेहतरीन सड़क वहाँ बनी पड़ी है हमारे कार्यकाल में। दूसरी तरफ आप नमक वाले तिराहे से चले जाएं गाड़ी बाज़ार तक, बेहतरीन सड़क बनी हुई है। आप चले जाएं भैरवनाथ, जो कर्नेलगंज के हिंदू समुदाय के लोगों का बड़ा ही पवित्र स्थल है, लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं। हम भी चूँकि इस बात में विश्वास रखते हैं कि किसी धर्म का कोई स्थल हो हम उसका सम्मान करें, वहाँ हमने इंटरलॉकिंग लगवाई, वहाँ हमने शौचालय बनवाया यात्रियों की सुविधा के लिए, वहाँ हमने पानी की व्यवस्था की। तो ये कहना 100% गलत है। जहाँ आवश्यकता थी वहाँ काम हुआ है, हिंदू और मुसलमान कोई मानक नहीं रहा है। कहा गया कि अगर जिसने आपको वोट नहीं किया उसका काम नहीं होना है नगर पालिका में। एक उदाहरण लेके आए कि वो जायज़ काम लेकर के आया हो उसका काम ना हुआ हो। मुँह से कहने के लिए तो कोई किसी को भी कह सकता है, कहने वालों ने तो सीता माता के ऊपर आरोप लगा दिया। मुसलमानों की तारीख देखिए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के ऊपर आरोप लगा दिया गया। आरोप लगाना तो आदमी का हक है, लेकिन उसको साबित करेगा जिस दिन वो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर हम जाम की व्यवस्था की बात करते हैं तो बताया गया कि और कहा जा रहा है कि नगर पालिका कर्नलगंज में जाम की एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है और इसकी देन नगर पालिका है। भाई, जिम्मेदार हम हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम यह लग सकता है, लेकिन सारी चीज़ें सिर्फ डंडे की बुनियाद पर नहीं होती हैं। कुछ अवेयरनेस पब्लिक में हो, कुछ जागरूकता उनकी तरफ से हो और फिर हम लोग उसमें प्रयास करते हैं, हम उसको प्रेरित करते हैं उसके लिए। तो ये कहना कि नगरपालिका की वजह से जाम लगा है, ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे रात में कहीं बारिश हो जाए तो आप सामने वाला कह दे कि शमी मच्छन की वजह से आज बारिश हो गई, हमारी छत खराब हो गई। जब आपका नाम आता है और कर्नलगंज नगर पालिका का नाम आता है तो बताया जाता है कि तानाशाही है और आप जो हैं वो एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं, जिसका चाहते हैं काम करते हैं और एक विशेष समुदाय का काम नहीं करते। भाई, कुछ तो कहेंगे ही, जब उनके पास हमारे 5 सालों में हमारे खिलाफ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो फिर वो तानाशाह कह लें, जो उनकी मर्जी आए कह लें। तानाशाह कोई रह करके 4 मरतबा चुनाव जीत सकता है जनता के बीच जा करके? ये तो संभव नहीं है। 4 मरतबा मैं चुनाव जीता हूँ और 1 मरतबा ज़बरदस्ती हरवाया गया, हमने तो मेरा 5वां टेन्योर होता।
तो तानाशाह कभी इस तरह बार बार डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं आ सकता है। वही बंदा आएगा जो ज़मीन से जुड़ा होगा, आम आदमी के बीच जिसकी पहुंच होगी और जो आम आदमी के सुख दुख में शामिल होगा। आपने कहा कि आप चार बार पहले रह चुके हैं और ये पांचवा टाइम होता। अगर हम बात करें तो जो इस बार का कार्यकाल था वो सत्ता के विपरीत आपने काम किया। तो जब आप सत्ता में रहकर काम कर रहे थे और इस बार जब आप सत्ता में नहीं थे तो क्या चीज़ें सामने आई, क्या चीज़ें चैलेंजिंग थी काम करने के लिए? जहाँ तक सत्ता में रहकर और सत्ता के बाहर रहने का काम करने का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि हमने चारों टेन्योर सत्ता के खिलाफ ही काम किया है। हमारा जो भी कार्यकाल रहा है वो सत्ता के खिलाफ रहा है। हमेशा बीजेपी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार थी तो मैं चुनाव हार गया था और उसके बाद फिर बीजेपी का ही टेन्योर है। बाकी जो परेशानियां हैं उनको आप महसूस करते हैं, आप लोग खोजी पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप बेहतर समझते हैं कि वर्तमान समय में किस तरह की परिस्थितियों में लोग काम कर रहे हैं। हम भी उन्हीं का एक पार्ट हैं, उस पर बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इस बार जब आप जनता के बीच जा रहे हैं और जब चुनाव का दिन आएगा तो क्या जनता के लिए इस बार आपने सोच रखा है, क्या विज़न है, क्या अगर मौका इस बार जनता आपको देती है तो क्या बदलाव लेंगे कर्नलगंज के नगर पालिका में? देखिए, जहाँ तक जनता के इस बार मौका देने का सवाल है, जितना चुनाव इससे पहले मैंने लड़ा है, इस मर्तबा जितना ज़्यादा जनता का स्नेह मुझे मिल रहा है, शायद मैं महसूस करता हूँ कि मुझे इससे पहले कुछ नहीं मिला। जहाँ तक बदलाव का सवाल है, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी पहले भी रही है, आज भी है और कल भी रहेगी कि कर्नेलगंज का माहौल हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम लोग मोहब्बत के साथ रहें। और इसकी शुरुआत करी है हमने, ईद मिलन करते थे, होली मिलन करते थे और आइंदा भी इस तरह की तमाम चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे। रहा विकास का सवाल, तरक्की का सवाल, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उसमें बिना किसी भेदभाव के हम इस काम को करने का प्रयास करेंगे। तो भाजपा से भी एक उम्मीदवार हैं अशोक सिंह, उन्होंने कहा कि हमें अगर जनता मौका देती है तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर काम करेंगे, लेकिन जो मौजूदा प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ एक समुदाय को लेकर चलते हैं साथ और सिर्फ उन्हीं का ही काम करते हैं। भाई अब अशोक सिंह क्या कह रहे हैं, ये अशोक सिंह का विज़न है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ कोई ईसाई है नहीं, तो इनको ईसाई कहीं से इम्प्लांट करना पड़ेगा यहाँ ला करके, तब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों होंगे। यहाँ सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो अब ये वो बेचारे जानते नहीं हैं, नए नए आए हैं, देहात के रहने वाले हैं, तो अब यहाँ कूद रहे हैं इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और जहाँ तक सबको साथ लेकर चलने का सवाल है, तो वो जिस पार्टी से लड़ना चाहते हैं वो पार्टी खुद 80-20 की बात करती है, तो कैसे साथ लेकर के चलेंगे वो जाने, मुझे तो नहीं लगता। बहुत करीब आता जा रहा है ये चुनाव और अक्सर देखा गया जब विधानसभा चुनाव की बात आती है या लोकसभा चुनाव की बात आती है सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है नगर निकाय चुनाव में भी वैसा ही माहौल देखने को मिल गया है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो जिस तरह से कंपटीशन में हैं, ऐसा लगता है कि ये भी विधानसभा और लोकसभा का ही चुनाव है। और ये ऐसी सरगर्मियाँ क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्यों? और फिर वही हिंदू मुसलमान, क्यों विकास की बात नहीं होती है? असल में सत्ताधारी दल ने एक सोची समझी रणनीति बनाई है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आदमी सवार हो, सारे के सारे लोग कहार बने रहें और इन्हीं के हाथ में सारी चीज़ें रहें, इसलिए इस तरह का माहौल ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ इस बात में लगे हैं कि पूरी तरह से कर्नेलगंज अच्छे माहौल में चुनाव हो, जिसको जनता जिताए वो जीते, जिसको जनता हाराए वो हारे, और उस हार को और जीत को खुले मन से स्वीकार किया जाए। कोई ऐसी बात जो आप कर्नलगंज की जनता से या पूरे गोंडा ज़िला की जनता से कहना चाहते हैं इस चुनाव से पूर्व? कर्नलगंज की जनता से मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखे कि कर्नलगंज नगरपालिका का संचालन कर्नलगंज से हो। जो दूसरे प्रत्याशी अलग अलग दलों के, विशेष रूप से सत्ता दल के, जो अपना अपना दांव आजमा रहे हैं, उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं है कि कर्नलगंज के नगरपालिका का संचालन कर्नलगंज से होगा, कहीं और से उसका संचालन होगा। और मैं कर्नलगंज की जनता से ये अपील करता हूं कि आपको ये बात तय करना होगा कि आपके नगर का संचालन आपके नगर से हो, आपके ऊपर किसी तरह की गुंडागर्दी ना हो, आपको आज़ाद होकर के अपना कारोबार करने का मौका मिले और आप नगरपालिका में जब जाएँ तो आपको सम्मान मिले और आपका जायज़ काम हो।
ये काम जो व्यक्त कर सके आप उसको चुन लीजिए। मुझे निश्चित रूप से मुझे ऊपर वाले की बात ज़ात पर यकीन है कि जब इस तराजू में लोग तोलेंगे तो शमी मच्छन के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। कई मामले बीच में ऐसे आए जब कई ऐसे मामलों में आपको घसीटा गया और बीच में नाम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला, क्या था पूरा मामला जो लड़ाई झगड़े का आया था? भाई बकरीद का मौका था। आमतौर से तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उस मौके पर कुर्बानी करने के लिए जानवर वगैरह, तो एक ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत जानवर, अच्छा जानवर मिले। उस फिक्र में मैं भी दुबई गांव गया था। इलेक्शन की अब जो लोगों के दिल में एक भड़ास थी उसको लेकर के मेरे साथ ज्यादती की गई। मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ तत्कालीन SP संतोष कुमार मिश्रा जी को कि उन्होंने ऐसो कर्नलगंज को और परसपुर जिनका क्षेत्र था उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके उनसे कहा कि ये धार्मिक गुरु हैं, इनको सम्मान पूर्वक इनके घर तक पहुंचाइए। जनता के बीच यहाँ बड़ा आक्रोश था क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने लोगों को समझाया कि देखिए इससे माहौल ख़राब होगा, तो इस माहौल को बचाने के लिए मैं कई चीज़ें ऊपर वाले को सौंप देता हूँ, वो बेहतर फैसला करता है। कौन थे वो लोग जिन्होंने ऐसे करने की कोशिश की गई थी? जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की उनके तो मैंने नाम बनाम FIR के लिए तहरीर भी दी थी, और आप जानते भी हैं कि वो कौन लोग थे। सत्ता पक्ष के लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, उन्हीं लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की थी। क्या चुनाव में भी फिर ऐसे लोगों से डर है, दहशत है कि ऐसा फिर दोबारा कर सकते हैं? भाई मेरे, मैं मुसलमान हूँ, डरना तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, और आखिरी फैसला भी उसी का होगा। इंसान की कोई हैसियत नहीं है कि वो किसी तरह के फैसले में कुछ कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा और सुना आपने जो पूर्व चेयरमैन यहाँ के नगर पालिका के रहे हैं और इस वक्त प्रतिनिधि हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखा है, चाहे विकास की बात हो या इन पर लगे हुए आरोपों की बात हो या जो इनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है पिछले कई सालों से उस पर बात हो, इन्होंने अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता के साथ रखा है। हम उम्मीद करते हैं चीज़ें और जो मामले हैं आप तक पहुँचे होंगे। चुनाव से पहले आप जब वोट करेंगे तो अपना जो प्रतिनिधि है वो विकास के मुद्दों को देखते हुए ही रखेंगे, वो कोई भी हो उसमें से। तो जो भी चीज़ें थी हमारे माध्यम से आप तक पहुंची है, हम चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए UP टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।